तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि दिवाली काफी ज्यादा पास आ चुकी है, इसीलिए काफी सारे मेरे भाई लोग बोल रहे थे कि भाई दिवाली के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, दिवाली के कुछ लाइट वाइट बनाओ, दिवाली के लिए कुछ स्पेशल वीडियो लाओ यार। फाइनली आप सबकी जो ख्वाहिश है आज पूरी होने वाली है, बिकॉज गाइस यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल प्रोजेक्ट। जी हाँ गाइस, मैं नहीं मानता, बहुत ही मजा आने वाला है। ब्लॉग के अंदर आ चुके हो तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। एंड हेलो गाइस, तो फिर कैसे हो आप लोग, आई होप एकदम बढ़िया एकदम मस्त होंगे। वेलकम आपका हमारे कोर्स आज इन फ्रेश ब्लॉग में। चलो फटाफट से फिर ब्लॉग को शुरू करते हैं। एंड गाइस यहां पे दिवाली का जो प्रोजेक्ट है ना वो बनाना चालू करते हैं। बनाने क्या वाले हैं ये बताता हूं। यहां पे ना मैं अभी भी मार्केट गया था और काफी सारे ना यहां पे कलरफुल एलईडी बल्ब लेके आया हूं। ठीक है, ये देखो, ये मेरे को ना मतलब एक एक दो दो रुपए के मिले हैं। ठीक है, देखो यहां पे ये वाले, ये आपको मार्केट में काफी सस्ते में मिल जाएंगे और बहुत सारे आप खरीद सकते हो। मतलब जितनी बड़ी आपको स्ट्रिप लाइट बनानी है, मतलब सॉरी चेन लाइट बनानी है। ठीक है, स्ट्रिप लाइट नहीं, चेन लाइट बनानी है। तो ये आ चुकी है वायर। ठीक है, ये मेरे को भाई साहब 20 रुपए की वायर मिली है, मतलब काफी बड़ी वायर है, इतनी हमें नहीं चाहिए। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी बड़ी आपको चेन लाइट बनानी है, चेन डेकोरेशन लाइट बनानी है, उस हिसाब से आप इसकी लेंथ ले सकते हो। ठीक है, उतनी ज्यादा बल्ब यूज कर सकते हो। अच्छा ग्लू स्टिक लेके आया हूँ ताकि इसको चिपका सकूँ ना। ठीक है, तो चलो फटाफट से फिर चालू करते हैं आज की इस व्लॉग को। भाई साहब चेन लाइट भरने के लिए सोल्डरिंग आयरन सबसे पहले चाहिए, तो ये बड़ी भाई साहब हमारी सोल्डरिंग आयरन, और मतलब सोल्डरिंग आयरन साथ में सोल्डरिंग स्टेशन भी है। ठीक है, और इसको लगाते भाई साहब यहाँ पे फटाफट से बिजली में। ठीक है, इसको देते बिजली और यहाँ पे इसको ऑन करते हैं एंड गाइस चेन लाइट बनाना चालू करते हैं। फिर भाई साहब इसको अंधेरे के अंदर भी चला के देखेंगे भाई साहब कि कैसा ये काम करती है, और दिवाली के अंदर इसको मस्त लगाएंगे घर में और रूम वगैरह में और मस्त मजे करेंगे। ठीक है, तो चलो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं लगभग जो ना 15-20 एलईडी बल्ब लेके आया हूँ, मतलब 20 है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे हैं, मतलब आपको काफी ज्यादा स्पेस छोड़ छोड़ के लगाने हैं तो यार बहुत बड़ी बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बाकी आप अपनी मर्जी के हिसाब से और भी ला सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वायर है जो कि कुछ इस टाइप की है, जो कि आपको काफी सस्ते में बिजली रिपेयरिंग की शॉप, मतलब बिजली रिपेयरिंग नहीं, बिजली की शॉप पे मिल जाएगी। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे। जी हाँ गाइस, फिर इसको आराम से हम 5 वोल्ट के, ठीक है, चार्जर से इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ना मतलब पैरेलल के कनेक्शन कैसे होते हैं बताता हूँ। मान लो ये एलईडी है, मतलब मान लो क्या एलईडी है यार, ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है छोटे वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे रेड में और जो नेगेटिव है वो यहाँ पे ब्लैक में। उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ के यहाँ पे भी एक एलईडी, यहाँ पे भी एक एलईडी, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे करते करते हमें सारी वायर के ऊपर एलईडी लगा देनी है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। इतना आसान है गाइस, मार्केट में आपको ऐसे ही एलईडी बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी, जो कि आपका भाई आपको काफी कम बजट के अंदर बना के दिखाने वाला। लगभग आपका 20 से 30 रुपए का खर्चा आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 20-30 रुपए का आपका खर्चा आएगा इसको बनाने के अंदर। चलो फटाफट से फिर शुरू करते हैं। एंड मैंने आपको कनेक्शन बता दिए, और इसके एलईडी के आगे हम क्या लगाएंगे ये भी मैंने डिसाइड नहीं किया, ये बाद में देखेंगे, पहले इसको बना तो लेना। ठीक है, पहले इसको बनना चालू करते हैं। चालू करने से पहले एक चीज, और अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, एंड जिस लोगों ने कर दिया उनके लिए थैंक यू, एंड जिन लोगों ने नहीं किया कर लो यार। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे ना ये देखो भाई साहब, यहाँ पे मतलब मैंने बहुत सारे वायर कट कर लिए हैं, अभी भी इतना सारा वायर बच गया। ये देखो भाई साहब, मैंने आपको बोला ना मतलब इतनी ज्यादा वायर लाने की जरूरत नहीं, आपका बहुत सस्ता बन जाएगा। लगभग आप 10-15 रुपए की वायर ला सकते हो मार्केट से, या फिर 20 रुपए की ला सकते हो, इतने में आपका बहुत सारा वायर आ जाएगा। जो बचेगा वो रख लेना भाई साहब, जो प्रोजेक्ट में यूज होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से फिर यहाँ पे ना इतने सारे वायर यूज किए हैं, तो लगभग मैंने ना 11 पीस, 10-11 पीस इकट्ठे करे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 10-11 एलईडी बल्ब अभी यूज होंगे। बड़ी चेन बनाना चाहते हो तो फिर ज्यादा बल्ब यूज कर सकते हो एक साथ ही। चलो फटाफट से फिर यहाँ पे ना ये देखो, मैंने 2 बल्ब कुछ इस टाइप से लगा दी, 2 एलईडी बल्ब। अब यहाँ पे इनको मैं कुछ इस टाइप से ऐसे जोड़ दूंगा, उसके बाद फिर आगे, उसके बाद आगे, उसके बाद आगे, एक ऐसे कनेक्ट करते जाने हमें पैरेलल के अंदर। चलो करते हैं, आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो और लाइक करो तो सब्सक्राइब भी कर दो। फाइनली गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा लंबी वाली यहाँ पे जो ना ये वाली चेन लाइट बना दी है, और आप चाहो तो इससे भी ज्यादा लंबी
चेन लेट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जरूरत के हिसाब से लगा सकते हो। आप अगर गेट पे लगाना चाहते हो तो उस हिसाब से गेट जितनी लेंथ की आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने बनाई है तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भाई साहब यहाँ पे दिक्कत ये हो चुकी है कि लाइट नहीं है, तो इसलिए कुछ लाइट वगैरह नहीं चल रही, इधर की चल रही है बट इधर की नहीं चल रही बिकॉज इन्वर्टर चल रहा है। तो यहाँ पे ना कुछ लाइट इन्वर्टर पे है, कुछ लाइट इन्वर्टर पे नहीं है, बट अंधेरा थोड़ा सा लग रहा होगा, ज्यादा रोशनी नहीं है। चलो कुछ बात ही मैनेज कर लेना। और अभी के हम वो चीज करने वाले जो कि पूरे YouTube पे शायद ही किसी ने की होगी आज से पहले, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैं इसके आगे कुछ लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पे ना बहुत सारे YouTube पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे ना, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे LED बल्ब के ऊपर जो ना ढक्कन लगा रखे बोतलों के, या फिर कुछ PVC पाइप का स्टार, ये वो चीजें बना रखी हैं, बट ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं। अब गई जो ना हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर चेस जो होती है ना, उसके मेरे पास ये प्लेयर्स होते हैं वो पढ़ रखे हैं यहाँ पे, ये वाले कुछ करेक्टर्स जिसको BT वगैरह भी बोल देते हैं, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे ये राजा रानी, और गई ये हाथी भी है और घोड़ा भी है हमारे सिपाही, और ये सारे बाकी सेम टू सेम। अब यहाँ पे ना लगभग ये 10-11 LEDs मैंने इसके अंदर लगाएंगे, और ये 10-11 मेरे पास प्लेयर्स है, ठीक है। राजा रानी को मैं बीच में लगाऊंगा जैसे कि हम गेम के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। हमारे ये जो लड़ी है ना ये काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए प्लेयर्स थोड़े से कम है, तो मैं इसको ऐसे उड़पटांग तरीके से लगा दूंगा, मतलब कोई किधर लगा दूंगा, तो जब ये जलेंगी ना तो भाई साहब क्या ही मस्त यार लुक आएगा। तो फटाफट से बनाते हैं इसके आगे सारे चेस के प्लेयर्स लगाते हैं, और भाई साहब बहुत ही मजा आने वाला है, और ये जब ग्लो करेंगे तो कैसा इफेक्ट आएगा। तो चलो लगाते हैं, इसको चिपकाने के लिए ग्लू गन की स्टिक का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट से इसको मेल्ट कर करके इसके अंदर लगा देते हैं, सभी को चिपका देते हैं ऐसे ऐसे अंदर करके, और एकदम मस्त बना देते हैं, फिर इसको चला के देखेंगे, ठीक है। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक ठीक है कर दो फटाफट से। तो ये देखो भाई साहब यहाँ पे मैंने सारे जो चेस के प्लेयर्स थे जो करेक्टर्स थे वो मैंने लगा दिए, और एक नंबर यहाँ पे इसका लुक आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब इसके अंदर मैंने ना ग्लू गन से अच्छे से इसको सभी को चिपका दिया एकदम मस्त तरीके से, अब ये उखड़ेंगे भी नहीं और वायर भी नहीं टूटेगा, एकदम मस्त बना दिया, ठीक है। ये देखो भाई साहब मतलब काफी बड़ी है वायर, ये देखो यहाँ से देखो भाई साहब क्या ही मजेदार गजब चीज बना दी आपके भाई ने, वो भी काफी कम बजट के अंदर, ठीक है। लगभग आपको 20-30 रुपए का खर्चा आएगा, और भाई साहब यहाँ पे एक यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अगर आपके पास ये चेस के प्लेयर नहीं है ना, मतलब ये जो बेटिया वगैरह बोलते हैं जो भी है, ठीक है, ये अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह आप ग्लू गन की कोई स्टिक्स वगैरह कार्ड बीट का लगा सकते हो, या फिर कहीं से आप चाहो तो ढक्कन लगा सकते हो बोतल के, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट आपके भाई ने थोड़ा यूनिक आइटम बना दिया, ये देखो ठीक है, चेस वाली चेन लाइट बना दी है, ठीक है। लगाने के लिए यहाँ पे हम USB अभी लगाने वाले हैं, फिर इसको चला के देखेंगे कि यह कैसा काम करता है, तो बहुत ही मजा आने वाला। फटाफट से यहाँ पे मैं USB है ना वो यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसको 5 वोल्ट पे आराम से चला सकते हैं, चार्जर से पावर बैंक से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट से इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, फिर इसको चला के देखेंगे। तो फाइनली गाइस अपनी दिवाली चेन लाइट बन चुकी है, वो भी सबसे यूनिक, जी हाँ गाइस, क्योंकि ये है चेस वाली चेन लाइट, दिवाली चेन लाइट, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार है, अब इसकी बारी है टेस्टिंग की, और होप आप सब काफी उत्सुक होंगे, ठीक है। बस एक लाइक करो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले ना आपके लिए और मजेदार व्लॉग्स लाने के लिए, ठीक है। फटाफट से इसको चालू करके देखते हैं, 1-2-3 ठीक है करके चालू करेंगे हम इसको, काफी मस्त लग रही है। अब इसको चलाता हूँ, 3-2-1 नहीं, पहले लाइट तो बंद कर दे यार, ठीक है, थोड़ी लाइटिंग काम करते हैं, अब चलाते हैं, ठीक है। 3-2-1 ओ भाई साहब ये देखो यार, मतलब देखो क्या मजेदार है, ठीक है। ये भाई साहब कलरफुल लाइट जिसके अंदर दो कलर जल रहे हैं फिलहाल, बट आपको ना मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी LED बल्ब मिल जाएंगे जिसके अंदर लाल पीला हरा नीला अलग अलग कलर वाली भी मिल जाएगी, एंड सिंगल कलर मिल जाएगी, मल्टी कलर भी मिल जाएगी। ये मल्टी कलर है बट इसके अंदर सिर्फ दो कलर ही है, ठीक है। तो ये भी और मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, आप खुद देखो यार एक बार, हमने घर पे बनाई है यार, मतलब देखो कितनी मस्त है, एकदम फुल अंधेरा हो चुका है। अब करते हैं 3-2-1 स्टार्ट गाइस, और देखो मतलब क्या ही मजा लग रही है, अब तो और भी ठीक है क्योंकि फुल अंधेरा हो चुका है ना रूम के अंदर। तो ये देखो मतलब क्या ही गजब लग रही है यार, मतलब मस्त बना दिया आइटम, और आपको ये दिख रहा होगा
राजा रानी और गई ये सिपाही वगैरह, और ये हाथी अपना गई ठीक है, और अलग अलग ठीक है कैरेक्टर्स वगैरह वो सब ग्लो हो रहे हैं यार देखो, मतलब क्या ही मस्त आइटम बना दी हमने, तो शायद ही ऐसी बनाई होगी और होप मजा आया होगा यार। ठीक है मजा तो आया ही होगा, इतनी मजेदार चीज बना दी है। देखूंगा बाद में कहीं गेट वगैरह पे या फिर घर के मेन गेट पे लगा दूंगा या फिर कहीं पे लगा दूंगा, ठीक है पता नहीं, फाइनल नहीं किया कि इसको कहाँ पे लगाना है। तो ब्लॉग यहीं पे एंड कर दो, होप मजा आएगा, लाइक करना सब्सक्राइब करना, बाय बाय।